सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये व्लॉग है एनिवर्सरी का और दिखाती हूँ मैं आपको आज हमने क्या क्या किया। या देखिए सो गाइस इग्नोर माय फेस, मैं सो के उठूँ एंड जस्ट सो के उठ के तैयार हूँ बिकॉज मैं घर आके नहाती हूँ कल, फिर रात को भी एक बार नहाती हूँ इसी कारण। एंड कल मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, उसी का व्लॉग है। मेरा है वो टिफिन दे, ये वाला किसका है फिर? ये वाला, ये तो बाबू। सो गाइस मैं आ गई हूँ स्कूल से और कल मम्मी और पापा का एनिवर्सरी है, हम लोग ने पता नहीं क्या प्लान किए हैं बट आई थिंक ज़्यादा कुछ होएगा नहीं इस बार। सो या अभी इन लोग बात कर रहे हैं। सो गाइस अभी रात हो गया है और मैं एक्चुअली व्लॉग करना भूल गई थी इसी कारण। सो एक्चुअली व्लॉग करना भूल गई थी मैं, तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। एंड गेस व्हाट कल मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी है कल मेरे मम्मी पापा का। यहाँ पे बाबू और मम्मी, बाहर बारिश हो रही है। थैंक्स मॉली काकी। यहाँ पे काकी कॉल में बात कर रही है और काका फोन देख रहे हैं कल। सो अभी मैं कंघी करवाती हूँ क्योंकि मेरे बाल में अभी बहुत उलझन है। सो मैं अभी कर नहीं पाऊँगी एंड मेरे को मतलब जल्दी जल्दी करना है तो मैं अभी मम्मी से करवा लेती हूँ। एंड सॉरी कि मैं मुंह पे ले आती हूँ कैमरा क्योंकि मेरी आदत है। अब क्या बोलें, काकुल का यूनिक स्टाइल है ब्लॉगिंग करने का। सो पता चलना चाहिए ना काकुल का ब्लॉग है, इसी कारण अपने मुंह के एकदम थोड़े के पास ले आती हूँ। ये है मेरा गिफ्ट, ये सेल्फ मेड है जो कि अभी मैंने बनाया है बहुत मेहनत करके। अब गंदा बना मेरे को पता है बट जो बना मैं कर रही। हैप्पी एनिवर्सरी, खोलो पहले। नाजुक कली है वो, बहुत इंजीनियर बुद्धि लगाई हूँ मैं। हाँ ऐसे बस बस, अब एक एक करके सब खोलो। Wishing you more memories to make, more joy to look forward, happy birthday, more of all the good things, happy anniversary to me. वो मम्मी को देखते हैं। अब ये पेज पढ़ो। तो ये ना हम कुछ चीज़ जनो हैं। For all your tears together, I am so happy. वो कितनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ले लो। ये बाबू के लिए, बाबू की तरफ से। लाले 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 जीरा राइस, आई लव यू। अब ये पढ़ो। मम्मी और पापा आप दोनों का गिफ्ट एक साथ है, एक ही बॉक्स में। और ये देख लो, ये मेरा लिप्स है, उसको नहीं खोलना, उसको मत खोलो, शो ऑफ है। ये मेरा लिप्स है, बहुत मेहनत किया है वो बॉक्स बनाने में। बार साइंटिस्ट दिमाग लगा है भाई। हैप्पी एनिवर्सरी दोनों को। खोलो, दोनों का गिफ्ट है। पेन दी है, खोलो तो। खोलो तो, उसमें मम्मी का भी एक चीज है, अंगूठी। अरे यही तो सरप्राइज है। अच्छे पेंसिल, पेन है वो, पेन। अरे पेन है, पापा का भाई साहब। अरे मम्मी का भाई साहब, दादा की परी भी पेन आ गया। बुलाओ थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। अब एक गिफ्ट और बाकी है। हो गया, हो गया। काकी का तो बड़ा गिफ्ट है।
अब मेरा पैसे में जितना था मैं दे दी। जितना पैसा खर्चा हुआ दे दे। ये देख सकते गाइस, एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। सारे मैंने चिट्स में चीजें दिखे हैं सब, और लास्ट में दिखी है। पहले बाबू किया, अभी पापा और मम्मी। गाइस बाबू फूक दिया। अभी रुक जा, अभी रुक फूक दिया। Happy anniversary to ए बाबू काटने वो जितने भी बार देखिए रोता ही है। नहीं इसको नहीं बोला वो बस पूरा पैंट आ गया पापा। ये क्या है? पैंट और सब क्या बोलते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। काका ऑफिस गए हैं और काकी अभी खाना बना लिया क्योंकि मैं लेट सो के उठी हूँ। तो आज का नाश्ता देख सकते हैं आप, डोसा इडली वड़ा चटनी सांभर नहीं खाती मैं। तो गाइस अभी आ गए हम लोग और आज का प्लान कर रहे हैं क्या होएगा। रात को नॉर्मल खाना वाना खाएंगे, मस्त डांस करेंगे और वही केक काटेंगे। हो सकता है घूमने जाए, हो सकता है गाइस। बट अभी हम लोग जूस पी रहे हैं। यहाँ मम्मी का कौन सा जूस है? अनार का। अनार मेरा काजू, काका का अनार, बाकी का अनार, सबका अनार। गर्मी में ऐसे जूस पीने में बहुत शांति मिलता है। कुछ बोलो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्यों? गर्मी में जूस पीने का अलग ही मजा है। सो गाइस अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं और यहाँ पापा रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई। साड़ी पहना है आज हम लोग का थीम है साड़ी वाला। साड़ी पहन के दिखाती हूँ मैं आपको। मम्मी बहुत सुंदर लगती साड़ी में, देख चमक रहा है, देखो बाकी ब्लॉग में देखो। सो गाइस काका का नहीं हो पा रहा है एकदम, मतलब काका का बहुत ही ऑफिस में काम है। सो आई डोंट नो आप पाएंगे कि नहीं, पर ऐसे ही करते हैं। मैं भी हूँ ना इधर। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, यू हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बस और यहाँ पे सबको केक खिलाया जा रहा है जो कि बहुत अच्छा मोमेंट था ये। और केक भी इतना टेस्टी लगा था, लाइक ये काका का चॉइस था इसी कारण इतना टेस्टी लगा। एंड फॉर
काका मेरे को ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा था तब, मतलब अच्छा लग रहा था लेकिन मतलब कंप्लीट नहीं लग रहा था क्योंकि तब काका नहीं थे। काका को ऑफिस में इतना काम पड़ गया था कि एनिवर्सरी मिस करना पड़ा, बट कुछ नहीं होता, अगले एनिवर्सरी में तो रहेंगे शायद। सो या अभी तो खाना वाना खाना बाकी है, तब तो आएंगे काका। सो अब क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिन था आज का, जो स्पेशली मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा आज का दिन क्योंकि उनका एनिवर्सरी था और मम्मी पापा बहुत अच्छे दिख रहे थे। एंड मेरा भाई तो बहुत परेशान करता रहता है, यू नो बहुत लड़ता झगड़ता रहता है। सो फिर भी वन ऑफ द बेस्ट दिन था ये। सो गाइस अभी हम लोग का हो गया सेलिब्रेशन पूरा, अभी हम लोग नॉर्मली खाना खाएंगे जो जो हम लोग मंगवाए। बाबू खाना खा रहा है, मम्मी का रिंग देख सकते हो, हाथ देखो। सो गाइस आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा दिन था ये, मतलब एनिवर्सरी का दिन सबसे मस्त लगता है, वन ऑफ द बेस्ट दिन लगता है मेरे को। सो आई होप आप ये इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो और सब्सक्राइब करे हुए हो, नहीं करे हुए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल वाली आइकॉन को भी दबा देना। एंड या सो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।